इस चैप्टर में दो पोर्शन होते हैं, एक तो हो गया यूनिट डायमेंशन जो पिछली बार किया था, ठीक है। एक दूसरा एस्पेक्ट होता है जिसको बोलते हैं एरर्स एंड मेजरमेंट। एरर्स एंड मेजरमेंट में हम लोग वो देखते हैं कि सिग्निफिकेंट डिजिट किसको कहते हैं, इस तरह की चीजें, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, हो गया जरा समय, देखते हैं कि वो गया। चलो चलो आगे बताता हूँ। चलिए, जैसा मैं कह रहा था कि डायमेंशनल फॉर्मूला ये हम लोग पिछली बार सीख लिए थे, अब हम लोग देखेंगे इसमें कि एरर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उस एरर्स कैलकुलेट करने में सबसे पहला टॉपिक जो आता है उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट। नाम सुना है पहले कभी? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, कहाँ सुना है बेटा? स्कूल में था स्कूल क्या? में सर। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, सब लोग सुन चुके हो? हाँ सर। सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, हाँ। होता क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स, मुझे कोई समझाएगा क्या मतलब क्या है इसका? बोलो बोलो, इस सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है, कौन बता देगा मुझे? क्यों पढ़ते हैं ये, नहीं पढ़ने का क्या मतलब है? बोलो बेटा। सर एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूं? हाँ बोल, बताओ बताओ। सर इफ वी टेक 13,842, लाइक वी से सिग्निफिकेंट फिगर 3 पे आपको अगर राउंड ऑफ करना है तो लाइक इट वुड बी 800 जो वैल्यू है। लाइक लेफ्ट टू राइट अगर जाओगे तो थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर वुड बी 13,800।
मगर करना क्यों है? वैल्यू सिग्निफिकेंट हुआ, मैं पूछ रहा हूँ ऐसा करना क्यों है? नहीं पता सर, नहीं पता। और कोई? चलो वो सब डेफिनेशन मैं बताऊंगा। पहले जो मैं कह रहा हूँ काम की चीज सुनना, सब लोग सुनो जो मैं कह रहा हूँ। ये लिखने का काम मैं करा दूंगा छोड़ दो, पहले जस्ट एक बात पूछ रहा हूँ। कहीं कहीं मान लो लिखा हुआ है 2.3 और कहीं लिखा हुआ है 2.30 सेंटीमीटर, मान लो चलो सेंटीमीटर सेंटीमीटर। इन दोनों डेटा को देखकर आपको क्या लगता है, क्या डिफरेंस है? इन दोनों डेटा को देखकर आपको क्या लगता है, क्या डिफरेंस है? कौन ज्यादा स्पेसिफिक है? 2.30 कैसे? उसमें जीरो भी काउंट हो रहा है। काउंट होगा का क्या मतलब है? उसमें टू सिग्निफिकेंट फिगर्स है। हाँ, सिग्निफिकेंट फिगर वर्ड हम नहीं जानते हैं अभी, मान लो तुम्हें नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। अप टू टू डेसिमल डिजिट्स ढूंढा हमने। क्या? अप टू टू डेसिमल के बाद दो डिजिट तक हमने ढूंढा। सर 100 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ऐसा कुछ? सर सेकंड वाला ज्यादा एक्यूरेट है। ज्यादा एक्यूरेट है कैसे? वही पूछ रहा था मैं बेटा। सर वो और मिलीमीटर्स काउंट होते हैं, कम पॉइंट बता रहा है। चलिए सुनिए, वेरी गुड। मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनो, सबको आता है, जस्ट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं 2.3 लिखता हूँ, इसका मतलब ये 2 है इसके लिए मैं श्योर हूँ, ये 3 है इसके लिए मैं श्योर हूँ, और इसके आगे क्या है ये वाला डिजिट ये मैं श्योर नहीं हूँ। श्योर नहीं हूँ मतलब यहाँ पर मेरा 0 to 9 कुछ भी हो सकता है। यस सर। यही जो मेरा दूसरा वाला एग्जांपल है, इस एग्जांपल में मैं 2 के लिए श्योर हूँ, मैं 3 के लिए श्योर हूँ, मैं 0 के लिए श्योर हूँ, इसके बाद का मुझे नहीं पता, ये 0 to 9 तक कुछ भी हो सकता है ना? तो yes, अगर sir. अगर कहीं देखते होगे बुक में, साइंस की अच्छी बुक में, मैथ फिजिक्स साइंस मतलब फिजिक्स की किसी अच्छी बुक में देखते होगे, तो जहां पर 2.30 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि लिखने वाले को नहीं पता है कि मैथमेटिकली दोनों नंबर एक ही है तो क्यों लिखेंगे। तो इसीलिए अब इसमें देखो, इसमें मेरा मैक्सिमम 2.39 हो सकता है। यस सर। इसमें मेरा मैक्सिमम 2.39 हो सकता है। यस सर। और मिनिमम 2.30 हो सकता है। यस सर। अच्छा, इसमें मेरा मैक्सिमम 2.309 हो सकता है और इसमें मेरा मिनिमम 2.30 हो सकता है। यही कहानी है। हाँ सर। सर 2.300। तो ये डेटा पढ़ने के बाद और ये डेटा पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है कि पहले डेटा में दूसरे के रेस्पेक्ट में एरर होने के चांसेस ज्यादा हैं। यस सर। यस सर, है ना? अच्छा, तो एक बात समझ लो, ये जो कहीं साइंस में के लैंग्वेज में लिखा जाता है 2.3 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, 2.40 सेंटीमीटर ऐसा कुछ, ये लिखने के पीछे केवल उसका मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस के हिसाब से तो दोनों वैल्यू सेम ही है। हाँ सर, है ना? तो ये केवल मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस की चीजें नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा छुपा होता है जिसको हम लोग एरर कहते हैं। यहां तक कोई समझ आया? यस सर। यस सर। तो ये जो एरर है ये हम लोग बोलेंगे एरर इन मेजरमेंट।
मतलब जिस किसी ने भी इस डेटा को लिखा है मेजर करके, उसके मेजरमेंट में मैक्सिमम एरर इतना हो सकता है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट का एक सीधा सीधा मतलब दिखता है कि जिसका सिग्निफिकेंट डिजिट जितना ज्यादा होगा उसमें एरर होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे, कम होंगे। मारूंगा, समझा? यस सर। उसमें एरर होने के चांसेस उतने कम होंगे। जैसे पहला डेटा में दोनों डेटा का मैथमेटिकल वैल्यू सेम है, बट पहला डेटा देख के मैं बोलूंगा कि मेरा फर्स्ट डेटा इज एक्यूरेट अप टू 2 डिजिट और मैं थर्ड डेटा बोलूंगा कि मेरा डेटा इज एक्यूरेट अप टू 3 डिजिट, है ना? तो दोनों में डिफरेंस समझ आया? यस यस सर। यस सर, चलो ये तो तुम्हें थोड़ा बहुत समझ आ गया। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि सिग्निफिकेंट डिजिट का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो ये जो मैं आपको लैंग्वेज में बताया ना, यही सिग्निफिकेंट डिजिट है। जैसे पहले केस में माई डेटा इज एक्यूरेट अप टू 2 डिजिट और दूसरे केस में माई डेटा इज एक्यूरेट अप टू 3 डिजिट, तो ये जो अप टू डिजिट है उसी को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। क्लियर? यस यस सर। मतलब सर जितने ज्यादा डेसिमल प्लेस होंगे उतना वो एक्यूरेट रहेगा। वैसे डेसिमल वर्ड को छोड़ देते हैं, डेसिमल वर्ड मान लीजिए मैं नहीं जानता। रिलायबिलिटी ऑफ डेटा है, जैसे पहला डेटा पढ़ के हमें लगता है कि हमारा डेटा 2 डिजिट तक रिलायबल है, मतलब 2 के लिए मैं श्योर हूँ, डेसिमल के लिए श्योर हूँ और उसके बाद 3 के लिए मैं श्योर हूँ। लेकिन दूसरा डेटा देख के मुझे लगता है कि मैं 2 के लिए श्योर हूँ, डेसिमल है उसके लिए श्योर हूँ और उसके बाद 3 है उसके लिए भी श्योर हूँ और उसके बाद 0 है उसके लिए भी श्योर हूँ। बात समझ आ रही है? हाँ सर, समझा। ज्यादा रिलायबिलिटी किस डेटा में? सेकेंड डेटा में। हाँ सर, ठीक है। हाँ सर, तो द रिलायबल डिजिट प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट। ऐसा कर सकते के साथ अभी मीनिंग समझेंगे। बोलिए बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप? सर हम ऐसा कह सकते कि लाइक सेकंड जो आपने एग्जांपल दिया 2.30 वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है? हाँ है ही, बिल्कुल है। ओके सर, ठीक है। तो मोर और लेस ये सिग्निफिकेंट डिजिट मुझे डेटा की रिलायबिलिटी देता है। ये बात समझ आया? सर रिलायबल डिजिट में पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला नंबर भी काउंट हो रहा है? देखेंगे इसके काउंट नंबर कैसे काउंट करते हैं, ये अभी एक एक करके सारे रूल्स बताऊंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ सेंस बता रहा हूँ कि ये सेंस समझ में आया कि सिग्निफिकेंट डिजिट का काम क्या है, है ना? हाँ सर। यस सर। अब आपको कभी कभी लगता होगा कि अगर मैं एक मेजरमेंट को 2 सेंटीमीटर 2 मीटर लिखूं या 200 सेंटीमीटर लिख दो, है ना, तो लगता होगा सिग्निफिकेंट डिजिट तो बढ़ गया, है ना? तो सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं बढ़ गया। एक थंब रूल याद रख लीजिए कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट चेंज करने से डिजिट किसी भी मेजरमेंट का सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं चेंज होता है। आया समझ में? नहीं सर। नहीं आया समझ में? जैसे मैं लिखता हूं 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 मीटर सॉरी, और दूसरा लिख देता हूं 200 सेंटीमीटर, पता है दोनों में सिग्निफिकेंट डिजिट 1 ही होगा। Yes, sir. नहीं समझा? नहीं समझा? एग्जांपल के साथ समझाता हूं।
नहीं समझा तो एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। ये एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं क्योंकि ये लिखेगा इतना कौन एग्जाम्पल। पहले समझिए, लिखने को जब मैं बोलूंगा तब लिखिएगा, अभी मत लिखिए। अ चॉइस ऑफ, ओ भाई साहब, अ चॉइस ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंट यूनिट डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स और सिग्निफिकेंट फिगर इन अ मेजरमेंट। यही बात मैंने अभी बोली थी आपको। एग्जाम्पल, सपोज कोई एक लेंथ लिखा हुआ है 2.308 सेंटीमीटर, इसमें चार सिग्निफिकेंट डिजिट है। yes, अगर कैसे कैलकुलेट करते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट उसके रूल्स में लिखाता हूं, बट मान लो चार सिग्निफिकेंट डिजिट है। इसी को अगर मैं किसी दूसरे यूनिट में ऐसा लिख दूं, कुछ नंबर से डिवाइड करके या कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करके या ऐसा कुछ लिख दूं, इन सारे ही केसेस में सिग्निफिकेंट डिजिट चार ही हैं। कैसे क्या रूल है वही सीखेंगे हम, बट ये जितने है ना, ये एग्जांपल है या ये एग्जांपल है या ये एग्जांपल है, देखने में नंबर ऑफ डिजिट चेंज होता हुआ दिखता है बट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट में कोई फर्क नहीं पड़ा। कैसे नहीं पड़ा सिखाता हूं, है ना? ओके सर। नहीं तो हमेशा तुम कहोगे कि 2 kg का मेजरमेंट से ज्यादा सिग्निफिकेंट अगर मैं 2000 ग्राम लिख दूं तो ऐसा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है? यस सर। क्यों नहीं होता उसके रूल्स देखिए, और हर रूल के पीछे लॉजिक भी है, कॉमन सेंस है ये। जैसे कुछ बेसिक रूल्स, चलो यहीं तक देख लो। जैसे ये कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं, सो रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट ठीक है, रूल्स क्या है देखिए। एग्जाम्पल के साथ मैं जानबूझ के रूल के बाद थोड़ी जगह रखता हूं ताकि इसी साइड में कुछ एग्जाम्पल भी आपको दे पाऊं। जैसे ये है मेरा रूल नंबर वन के लिए मैं ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी से दूसरा कलर से पता चल जाए। Joel to Chalekha and from Chalekha to Khara are packed. जो कि वहाँ पे global lines आते हैं। First rule, देखो ध्यान, किसकी आवाज आती है? Chalekha and Chalekha to Joel, ये देखो यहाँ पे। किसकी आवाज आ रही है? बंद करो। First rule है कि all the non-zero digits are significant. All the non-zero digits are significant, मतलब किसी भी नंबर में जहां कहीं भी आपको 2, 3, 4, 5 कहीं भी दिखे वो सब तो सिग्निफिकेंट होंगे ही। ठीक है, तो जहां भी non-zero digit दिख रहा है वो तो significant digit में count होगा ही, उसमें कभी कोई doubt नहीं है। क्लियर है? 1 to 9 ना सर?
हाँ नॉन जीरो 1 to 9 होता है. ओके सर. है ना, तो 1 to 9 हो गया आपका नॉन जीरो. एक सेकेंड. तो नॉन जीरो डिजिट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिग्निफिकेंट होगा. दिक्कत होती है जीरो पर. तो सेकेंड रूल, अगर जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट है तो सिग्निफिकेंट होगा, डेसिमल कहीं भी हो. है ना, डेसिमल कहीं भी हो. जैसे एग्जांपल के साथ, जैसे अगर मेरे पास मान लो 2.003 है, तो इसमें दो जीरो दिख रहे हैं, है ना, लेकिन yes, ये sir. दोनों जीरो दो नॉन जीरो के बीच में है, तो इसमें मेरा सिग्निफिकेंट डिजिट 4 हो जाएगा. कोई डाउट? नहीं सर. सर फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट को नहीं काउंट करेंगे. आ रहे हैं बेटा, सब में आएंगे. पहले सेकेंड रूल का एग्जांपल समझो, ऐसा नहीं कि खत्म हो गई जिंदगी यही. ओके सर. बहुत सारे रूल्स हैं अभी. ठीक है, तो नॉन जीरो है तब तो कोई दिक्कत नहीं, नॉन जीरो जितना दिख रहा है उसको तो काउंट कर ही लीजिए, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है. सेकेंड रूल का मीनिंग समझ में आया कि नहीं? हाँ सर. अब थर्ड रूल समझिए. और मतलब हाँ बोलो, सेंटर में जितने भी जीरोस होंगे उनको इंडिविजुअल काउंट करना है, राइट? हाँ हाँ. चलो दूसरा एग्जांपल. तीन जीरो होंगे तो तीन इंडिविजुअल. दूसरा एग्जांपल 2.0008, इसमें मेरे सिग्निफिकेंट डिजिट 5 हो गए, तो दो नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो फंसा हुआ है तो जितने भी होंगे वो सब सिग्निफिकेंट होंगे ही होंगे. ठीक है. ओके सर. अब अगर नंबर मेरा 1 से छोटा है, ध्यान से समझना सब, अगर नंबर मेरा 1 से छोटा है तो हम उसको 0 point something लिखेंगे ना? यस सर. तो अगर हमारा नंबर 0 से छोटा है तो स्टार्टिंग डिजिट तो नॉन जीरो हो नहीं सकता है, है ना? यस सर. अच्छा, तो डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में जितने जीरो होंगे वो सारे जीरो इनसिग्निफिकेंट होते हैं. यहां तक समझ आया? सर डेसिमल पॉइंट yes, पहले वाला वो सिग्निफिकेंट आते हैं, पहले वाले पे आते हैं, बट जो होता है उसको सीख लो, उसमें क्या होगा फिर देखते हैं. तो डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड वाला जितना होगा वो सब इनसिग्निफिकेंट होगा ही. जैसे कभी कभी देखते होगे मैं जीरो सर डेसिमल के जस्ट राइट ना, मतलब नॉन जीरो के पहले बता रहा हूँ. जैसे 0.3 लिखूं और 0.3 लिखूं, मैथमेटिकली दोनों का मीनिंग सेम है. यस सर. इसीलिए मैं पहली बात कर रहा हूं डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड वाला, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड नहीं भी लिखा रह सकता है, है ना? तो रूल ये कहता है इफ नंबर इज लेस देन 1 द जीरोस ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, है ना? ओके सर. तो जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है जीरो, जैसे यही एग्जांपल देखो 0.002308, इसमें से फर्स्ट ये दोनों जीरो तो इनसिग्निफिकेंट होगा ही, ये वाला जीरो इनसिग्निफिकेंट होगा ही, बट ये जो नॉन जीरो के बीच जीरो फंसा हुआ है ये सिग्निफिकेंट होगा. ये बात समझ में आई? यस सर. हाँ सर.
है ना? Yes, sir. तो इसमें इसमें अगर कोई पूछेगा सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है तो हम 4 बोलेंगे. क्लियर? यस. अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको समझा रहा था कि यूनिट चेंज होने से सिग्निफिकेंट डिजिट में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उसी का एग्जांपल है. एज अ रूल जितने टर्मिनल जीरो होते हैं, टर्मिनल मतलब लास्ट वाला और ट्रेलिंग जीरो वो सब और डेसिमल नहीं है तो ये सारे इनसिग्निफिकेंट होते हैं. जैसे 123 मीटर है, इसको मैं 12,300 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ, 1,23,000 मिलीमीटर भी लिख सकता हूँ, लेकिन सब में सिग्निफिकेंट डिजिट 3 ही होंगे. समझ आया? यस सर. ओनली 3 सिग्निफिकेंट डिजिट. रीजन क्या है कि 1, 2, 3 के बाद 2 जीरो यूनिट में नहीं भी लिखो और 1, 2, 3 के बाद 3 जीरो. इसमें से जो ट्रेलिंग जीरो बोल रहा है रूल में वो यही है, ट्रेलिंग मतलब लास्ट वाला. तो ये जीरो इनसिग्निफिकेंट है, ये जीरो इनसिग्निफिकेंट है. तीनों ही केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स 3 ही होंगे. कोई दिक्कत किसी को? नहीं. सो फोर्थ एग्जांपल आपका, फोर्थ रूल आपका, वो जो मैं बताया था यूनिट चेंज होने से कुछ नहीं होता है, वो भी एक्सप्लेन करता है. यस सर. सर फोर्थ रूल एक बार आप समझाओगे? तो जरा जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए. ये रूल्स आपको लिखने हैं. सर वो चॉइस वाला भी? क्या चॉइस वाला? चेंज ऑफ डिफरेंट यूनिट वाला. हाँ हाँ, जो अंडरलाइन किया है ना वो आपको करना है कि द चॉइस ऑफ चेंज इन डिफरेंट यूनिट डजंट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट. ये आपको कॉपी करना है. यहां से शुरू कीजिए, जैसे जैसे बोलिएगा स्क्रॉल कर दूंगा मैं. फोर्थ रूल एक बार आप समझा दोगे? फोर्थ रूल में है कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज, ट्रेलिंग मतलब लास्ट में, तो किसी नंबर के लास्ट में आप कितना भी जीरो लगा दो बिना डेसिमल का अगर नंबर है तो वो सब इनसिग्निफिकेंट होता है. जब तक डेसिमल नहीं लगता. जब तक डेसिमल नहीं लगता. ठीक है सर. डेसिमल लगेगा तो क्या होगा वो भी बताता हूँ. सिग्निफिकेंट. ओके सर. सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए. नीचे नीचे मतलब ऐसे? हाँ सर. बताना कहाँ तक? सर काफी. सर अनसर्टेन डिजिट क्या होते हैं? क्या बोल रहे हो? अनसर्टेन डिजिट क्या होते हैं? जो अनसर्टेन वही हुआ जैसे मैंने 2.3 लिखा, तो 3 के आगे वाला जो डिजिट है वो मेरे लिए अनसर्टेन हो गया ना. ओके. जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिखा 2.3 और 2.30, तो पहले वाले केस में 3 के बाद का डिजिट मेरे लिए अनसर्टेन हो गया.
और दूसरे केस में थ्री के बाद वाला डिजिट मेरे लिए सर्टेन है कि जीरो है, क्योंकि सर्टेन होता तो मैं लिख देता ना। सर वो जितना वो अंडरलाइन किया है रेड रेड पेन से उतना ही कॉपी करना है? हाँ वो उतना ही है, बाकी तो एग्जांपल लिखा है, तो वो एग्जांपल को तुम्हारे समझने के लिए। ओके सर। सर नीचे करो ना थोड़ा। सर थोड़ा ऊपर बस। हाँ सर अभी नीचे को सर कैलकुलस का लास्ट लेक्चर लेक्चर 6 था राइट? नंबर मुझे नहीं याद बेटा। आगे बढ़ो। यस सर। और एक मिनट सर, एक आगे बढ़ूं? हाँ सर।
सर एक मिनट ये लास्ट पॉइंट ही बाकी है। सर काट लो अभी। नेक्स्ट रूल, तो ये जो मैंने बताया था कि टर्मिनल जीरोज इनसिग्निफिकेंट होते हैं, उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने लिखा था कि टर्मिनल जीरो इनसिग्निफिकेंट होते हैं तब जब डेसिमल पॉइंट नहीं हो। देखो विदाउट अ डेसिमल पॉइंट है ना, अगर डेसिमल पॉइंट हो तो डेसिमल के बाद जो जीरो आते हैं वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं। द ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विथ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, जैसे 3.500, अगर ये पॉइंट नहीं होता तो दो सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं। यस सर। बट yes, ये पॉइंट होने की वजह से चार सिग्निफिकेंट डिजिट है। वैसे ही इसको देखो, अब ध्यान से समझो, डेसिमल के बाद जो ट्रेलिंग जीरो है ये है, तो दो नंबर ये हो गया और दो नंबर ये हो गया, चार हो गया। ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है। सॉरी, रूल थ्री के हिसाब से वो दोनों नहीं है ना सिग्निफिकेंट। हाँ, रूल नंबर जो भी है। हाँ, जैसे देखो डेसिमल के बाद मतलब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले के जो जीरो होते हैं वो सब इनसिग्निफिकेंट होते हैं। तो नॉन सिग्निफिकेंट विथ रेस्पेक्ट टू आपका जो रूल नंबर थ्री है। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, अब यहां पर एक कंफ्यूजन हमेशा रहता है। अच्छा, फिफ्थ भी लिख लो, फिफ्थ भी लिख लो, क्योंकि उसके बाद ये रूल खत्म हो जाएगा तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे। फिफ्थ भी लिख लो, लॉजिक के साथ लिखना कि सेकंड वाले एग्जांपल में फर्स्ट टू जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। सर तो दोनों में दो सिग्निफिकेंट फिगर्स ही है ना, 3.5? नहीं, 3.5 में डेसिमल के बाद के जो ट्रेलिंग जीरो होते हैं वो तो सिग्निफिकेंट होते हैं ना, रूल 5 यही है। हाँ, तो चार सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए ना, एक 3, एक 5 और दो लास्ट के 0। हाँ सर। तो ट्रेलिंग जीरो वाला रूल डेसिमल मतलब होल नंबर में लगता है, डेसिमल वाले में नहीं लगता है। आगे बढ़ूं? हाँ सर। यस सर। अब थोड़ा सा इसमें दिक्कत कहाँ हो जाती है इसको समझिए। ये ट्रेलिंग जीरो वाले मैटर में बहुत कंफ्यूजन है, तो वो कंफ्यूजन क्यों है और उस कंफ्यूजन को कैसे ठीक करेंगे वो देखते हैं। तो इसको मैं एज अ नोट लिख देता हूं। पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन,
जैसे सपोज एक ही डेटा है, कंफ्यूजन क्यों है वो समझ आएगा, और इस कंफ्यूजन से बचने का तरीका क्या है वो भी समझ आएगा। जैसे मान लीजिए 4.700 मीटर लिखा हुआ है ना, इसमें पहले बताइए मुझे सिग्निफिकेंट डिजिट जितना आप पढ़े हैं उसके हिसाब से कितना होना चाहिए? चार। फोर। फोर। 470.0 सेंटीमीटर लिखे, अब कितना होना चाहिए? तीन। 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 तीन होना चाहिए, चार नहीं होना चाहिए? नहीं सर, तीन ही होने चाहिए। क्यों सर? तीन ही होना। फोर सर, वो ट्रेलिंग जीरो बिफोर डेसिमल पॉइंट, पॉइंट के बाद जीरो सर मतलब ही नहीं। तो डेसिमल के बाद जो जो ट्रेलिंग जीरो होते हैं वो तब जो सिग्निफिकेंट होते हैं सर। डेसिमल के पहले वाला नहीं होता ना? डेसिमल के पहले वाला चार होंगे, होल नंबर में नहीं होता है, पॉइंट वाला नहीं। होल नंबर का ट्रेलिंग जीरो इनसिग्निफिकेंट होता है, बट जैसे ही डेसिमल आ गया वो रुक तो ना लगे। तो इसमें भी फोर सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए। ओके सर, सब में फोर होंगे? नहीं, बट इसमें देखोगे तो फोर सिग्निफिकेंट डिजिट होगा तुम्हारे रूल से। यस सर। ओके सर। और इसमें देखोगे तो कितना सिग्निफिकेंट डिजिट होगा? उसमें फोर होंगे। फोर। उसमें फोर होंगे। फोर। तो देखो, अगर हम अपना सिग्निफिकेंट डिजिट का बेसिक कंडीशन लगाएं कि यूनिट चेंज होने से सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर ये फेल होता हुआ दिख रहा है सर, है ना? हाँ सर। पक्का? यस सर। हाँ सर। तो यहाँ पर ये फेल होता हुआ दिख रहा है। इससे बचने के लिए, इससे बचने के लिए क्या करते हैं कि हमेशा इस एम्बिग्यूटी को निकालने के लिए हम लोग एक तरीका ढूंढते हैं कि सब कुछ को हम लोग एक प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखें। ये सबसे बेस्ट वे है। तो उस साइंटिफिक नोटेशन में दो बातों का ध्यान रखा जाता है, एक को बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट और दूसरे को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जैसे इसी डेटा को मान लीजिए मैं ऐसे लिखता हूं, इसी डेटा को जो ऊपर लिया है उसी को ऐसे लिखता हूं। जैसे 4.700 मीटर यहां भी था, यहां भी है, तो इसको जब मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 10^2 लगा दिया, मिलीमीटर में किया तो उसी में 10^3 लगा दिया, और किलोमीटर में किया तो उसी में 10^-3 लगा दिया। देख रहे हो? यस। अच्छा, तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, ये जो नंबर है 4.700 इसमें इसको मैंने किसी में छेड़छाड़ नहीं किया, है ना? तो अगर हम एक ऐसा रूल बनाएं yes, sir, कि जब भी कभी यूनिट चेंज करना हो या रिपोर्ट करना हो तो 10^7 समथिंग में ही रिपोर्ट करें, और साथ ही साथ जो 10^7 समथिंग के अलावा बच गया केवल उसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट है वही हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट के कैलकुलेशन में काउंट होगा, तो हम लोग इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि ये तो रूल के हिसाब से प्रॉब्लम दिख रहा है ना? यस सर। तो रूल के हिसाब से प्रॉब्लम बोलो, एम्बिग्यूटी बोलो, जो बोलना है बोलो। तो इस एम्बिग्यूटी से बचने के लिए एक रास्ता निकाला गया कि हर नंबर में जहां कहीं भी मुझे यूनिट चेंज करना है वहां पर हम लोग जीरो वगैरह चेंज नहीं करेंगे, हम लोग हमेशा 10^7 समथिंग में लिखेंगे, है ना?
और 10 टू द पावर समथिंग को छोड़कर जो होगा सिर्फ वही और वही हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट के कैलकुलेशन में काउंट करेंगे। आई बात समझ में? इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे लिखने बोलूंगा तो पूरा मत लिखना, मैं अंडरलाइन कर दूंगा क्या क्या लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, इसी से बचने के लिए सर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताता हूँ क्या होता है। तो देखो, टू रिमूव सच एम्बिग्यूटी इन डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर द बेस्ट वे इज टू रिपोर्ट एवरी मेजरमेंट इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है पावर ऑफ 10 के टर्म में। तो हर नंबर को हम लोग a इंटू 10 रेज टू b के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, जिसमें से a हमारा 1 टू 10 के बीच में कोई भी नंबर होगा। क्लियर है? यस सर। है ना? तो ये जो a है सिर्फ वही a हमारा यूज होगा सिग्निफिकेंट डिजिट के कैलकुलेशन में। ओके, ठीक है। और ये जो b होता है उसी b को हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। इसकी जरूरत नहीं आपको, इसको बता दीजिए। आई बात समझ में? तो किसी भी साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम a इंटू 10 रेज टू b लिखते हैं तो उसमें से b हमारा होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। So in general, a into 10 raised to b, इस notation में b is order of magnitude. अच्छा, और ये जो a है इस a में जितना significant digit होगा वही significant digit count करेंगे, बाकी मुझे नहीं मतलब है। Clear है? कुछ एग्जांपल करेंगे तो समझ आएगा आपको, बट एज अ थ्योरी मतलब ए में जितने भी डिजिट्स हैं उनको सब सिग्निफिकेंट बोलेंगे। नहीं, ए अब फिर केवल ए की जगह जो लिखा हुआ है ना उसमें हम लोग ऊपर वाले ऑल फाइव रूल लगाएंगे, उसमें जो आएगा वो आंसर। ओके सर, समझा, ठीक है। तो यहाँ नोट से बाकी है, जरा लिख लो खुद से यहाँ से समझ के। और मतलब 10 का जो पावर होगा वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा। हाँ, जो 10 का पावर होगा उसको हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलेंगे। सर ये b की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है? नेगेटिव भी हो सकती है। सर लास्ट वाला एक बार वापस एक्सप्लेन करोगे? एग्जांपल देता हूँ, अपने आप एक्सप्लेन हो जाएगा, अभी कॉपी करो। सर मतलब जैसे यूनिट और रहता है मीटर सेंटीमीटर और जो लीटर है वो कैलकुलेशन ऑफ उसमें यूज होगा। सर आप बुकलेट ग्रुप में भेजोगे? हाँ भेजूंगा।
सर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का डेफिनेशन 10 टू द पावर अगर 6 है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 हो गया। ओके सर आगे बढ़ूं? यस सर। अब सोचो जरा एक बार कि अगर हमें दो नंबर को ऐड करना पड़े, सब्ट्रैक्ट करना पड़े, मल्टीप्लाई करना पड़े, डिवाइड करना पड़े और हर नंबर में सिग्निफिकेंट डिजिट अलग अलग है। जैसे एक स्क्वायर का मेजरमेंट लिया मैंने, मुझे साइड लेंथ मिला 2 और स्क्वायर नहीं सॉरी रेक्टेंगल का लेंथ मुझे मिला 2 और ब्रेथ मुझे मिल गया 1.3 और कोई पूछे मुझसे एरिया कितना होगा तो लेंथ में 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है, ब्रेथ में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है तो हमारा आंसर तो 2.6 होगा। एक मजेदार बताता हूँ, जेई में पूछा हुआ है, ध्यान से सुनना, सब लोग सुनेगा ठीक है। पहले प्रॉब्लम बता देता हूँ ना, उसके बाद समझ आएगा कि ये बात थ्योरी बताऊंगा तो क्यों बता रहा हूँ। जेई का क्वेश्चन था, जस्ट ऐसे ही लिख देता हूँ कि एक क्यूब है जिसका साइड लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा। ठीक है, लगता है क्लास 4-5 का क्वेश्चन है ऐसा लगता है। तो yes, sir. 2.5 का क्यूब होता कितना है बताते हैं तो मुझे जरा सा करके मैथ में। कितना बेटा? 15.625। फिर दूसरा ऑप्शन है मान लो 15.62, फिर ऑप्शन है मेरा 15.6, फिर ऑप्शन है मेरा 15 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें से क्या आंसर होगा? 15.6। तो देखने में लगता 15.6. है, देखने में लगता 15.625 ये मोस्ट एक्यूरेट है बट ये गलत है। एक्यूरेट ये है ये ए ए 15 ओनली। कैसे सर? बताता हूँ कैसे। दो सिग्निफिकेंट, अच्छा दो सिग्निफिकेंट फिगर्स है। सब चुप रहेगा। पहले मैं सेंस समझाता हूं, बाद में रूल वूल लिखा दूंगा, मैं इसको इरेज करूंगा। सेंस देखो कि अगर हमने साइड लेंथ जो कैलकुलेट किया है वो साइड लेंथ अगर दो सिग्निफिकेंट डिजिट है उसमें तो उसके बेसिस पर जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो दो सिग्निफिकेंट डिजिट तक ही एक्यूरेट होगा। समझा? Yes, है ना। तो yes, कहने का मतलब ये है कि सिग्निफिकेंट डिजिट तो हमने पढ़ लिया। अब सिग्निफिकेंट डिजिट हमने पढ़ लिया, ये क्या हो गया, सिग्निफिकेंट डिजिट तो हमने पढ़ लिया लेकिन अगर फिजिकल क्वांटिटी को मुझे एड सब्ट्रैक्ट करना है और कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन इनफैक्ट करना है किसी फिजिकल क्वांटिटी पर जिसमें कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स अलग अलग हैं, तो उसको कैसे करते हैं ये अब सीखेंगे। पहले सेंस समझ आया कि ये पढ़ क्यों रहे हैं? यस सर। तो इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन के अलग रूल हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के अलग रूल हैं। पहले तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में देख लीजिए सर। हाँ सर, जो लास्ट क्वेश्चन आपने दिया था उसमें साइड का लेंथ 2.5 तो दो सिग्निफिकेंट डिजिट था, पर अगर वो 2.500 अगर दिया रहता तो अपना हाँ। जो एक्चुअल आंसर है वो आता, तब एक्चुअल आंसर आता। अच्छा, मतलब जो क्वेश्चन में जितना सिग्निफिकेंट डिजिट दिया है उसके बेसिस पे ही आंसर का होना चाहिए। हाँ, वही सिखा रहा हूँ। तो फर्स्ट रूल कहता है कि इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन
The final result should retain as many significant figures as there in the original number with least significant figure. Least significant figure का मतलब ये जो मैंने example दिया था कि मेरे पास एक rectangle है जिस rectangle का side length 2 है और width 1.3 है ना? तो 2 और 1.3 में minimum significant digit 2 का 1 है. तो yes, sir. एरिया निकालेंगे तो वो एक सिग्निफिकेंट डिजिट तक ही लिखेंगे. जैसे जो एग्जांपल इसमें दिया है देखिए, सपोज डेंसिटी निकालना है मुझे, ये है मास ये है वॉल्यूम, तो ऊपर वाला कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है? 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है. यस सर. यस सर. डिनोमिनेटर का 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है. यस सर. तो इन दोनों को डिवाइड करके आंसर हम कुछ भी ले आए, इसके आगे करोगे तो बहुत कुछ आएगा, लेकिन इन दोनों में मिनिमम कौन है? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट. यस सर. हमारा आंसर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक ही करेक्ट होगा. ओके सर. तो सर उसके आगे किया तो फिर वो गलत गिना जाएगा? गलत हो जाएगा सर. मतलब आपने अगर 1.688 जो ओरिजिनल आंसर है, 88 जो है वो गलत होगा फिर? ओरिजिनल 1.688 आता है क्या, करके देखा है? हाँ सर. वही तो मैं बोल रहा हूँ, देखो ऊपर क्या लिखा था, 15 लिखा था सर. नहीं नहीं ठीक है, वो राउंडिंग ऑफ मैंने अभी नहीं सिखाया है, घबरा मत. ओके मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 15.6 को राउंड ऑफ करके 16, वो मैं नहीं सिखाया अभी, स्टेप बाय स्टेप चलो, वो 10 मिनट के बाद. राउंड ऑफ कैसे करते हैं 10 मिनट के बाद. सर तो जेई में तो पूरा पढ़ा होगा ना सबने? तो सिखाऊंगा ना, पहले दिन पूरा फिजिक्स सिखा दूं? नहीं मतलब जेई में जो अटेम्प्ट करने गए वो तो पढ़े, और क्वेश्चन जेई का था तो 16 हो. तुम लोग मैंने बहुत बड़ा वाला गधा है. जेई का क्वेश्चन मैं बोला, इसका ये मतलब नहीं कि मुझे वैल्यू लेके सब याद है. मैंने एग्जांपल दिया कि एक बार ऐसा क्वेश्चन था okay, जिसमें okay, साइड लेंथ दिया है और वॉल्यूम पूछा है, तो लगता है सिंपल मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है, बट है नहीं. समझ आया? हाँ सर. ओ भाई साहब मस्त है तुम लोग. एनीवे क्या बता रहा था, दूसरा रूल एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला. अब अगर जैसे इस नंबर में, इस केस में दो नंबर मल्टीप्लाई हुआ, डिवाइड हुआ या मल्टीप्लाई हुआ, यही अगर दो फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो पहले तो यूनिट डायमेंशन में देख चुके हो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम डायमेंशन का ही हो सकता है, पिछले लेक्चर में. हाँ सर. तो जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन होके फाइनल रिजल्ट आएगा, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेस एज देयर इन द नंबर विद द लिस्ट डेसिमल प्लेस. तो उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं, डेसिमल प्लेस के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं. आई बात समझ में? यस सर. उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट के बेसिस पर हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं, डेसिमल प्लेस के बेसिस पर डिसाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये एक सब्ट्रैक्शन है जिसमें कि जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, सपोज तो मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए सिग्निफिकेंट
सपोज ये तीन मास को मुझे ऐड करना है, ठीक है, कौन कौन सा? तो एक मास मेरा है 436.32, एक है 227.2 और एक है 0.031। तो इसका एडिशन करने से इतना आता है 663.821। लेकिन इसमें अगर देखोगे तो डेसिमल के बाद दो प्लेस है, लीस्ट वाले को देखोगे तो डेसिमल के बाद वन प्लेस है और इसमें देखोगे तो डेसिमल के बाद थ्री प्लेस है। तो इन तीनों में मिनिमम कौन है? वन प्लेस है। तो हमारा आंसर डेसिमल के बाद वन प्लेस तक होगा, दैट इज एट तक ही होगा। समझे? तो सर अगर डेसिमल है ही नहीं लिस्ट में तो डेसिमल नहीं होगा ना आंसर में। हाँ, जैसे मान लो 3.05 में मुझे 2 ऐड करना है तो मेरा आंसर 5 ही होगा। जैसे मान लो 3.05 प्लस 2 करना है तो आइडियली होना चाहिए 5.05। यस सर। बट मेरा आंसर 5 होगा। समझे? हाँ सर। यस सर। डाउट था तो ये कॉपी कर लीजिए, इसके बाद अब राउंडिंग ऑफ बताऊंगा। सर 280.0 में कितना फिगर्स है? हाँ बोलो क्या है? 280.0 में। हाँ तो डेसिमल के बाद वाला जीरो सिग्निफिकेंट होता है, तो 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। ओके सर। बहुत क्वेश्चन कराऊंगा, अभी ही कराऊंगा क्वेश्चन, बहुत सारे, घबरा मत, पहले कॉपी कर लो इसको सर। हाँ सर। तो फिर इसमें ऐसा बोल सकते मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए सिग्निफिकेंट और एडिशन सबट्रैक्शन के लिए लीस्ट डेसिमल। हाँ क्या बोले, फिर से बोलो। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए लीस्ट सिग्निफिकेंट और एडिशन सबट्रैक्शन के लिए लीस्ट डेसिमल। हाँ ओके सर। आगे बढ़ू? हाँ सर। एक मिनट सर। यस सर। लिख लिया सबने। अब राउंडिंग ऑफ के रूल्स पढ़ते हैं।
आगे बढ़े। हाँ सर। सो नेक्स्ट इज राउंडिंग ऑफ। एक सेकेंड रुकना जरा। Done, sir. एक मैं एक ढूंढ रहा था कि मेरे पास एक जगह अच्छे से लिखा हुआ है तो वही दे दूं सीधा सीधा और मिल नहीं रहा था। चलो मैं वन बाय वन बता ही देता हूँ, इतने दिन में ढूंढूंगा वन बाय वन बता दूंगा। चलो राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ में कुछ कुछ बेसिक तो आपको पता होगा कि अगर लास्ट डिजिट 5 से ज्यादा है तो उसको हम लोग एक इंक्रीज करके कर देते हैं, ये सब है ना। तो बट फिर भी मैं एक एक करके बता देता हूँ। फर्स्ट रूल कहता है कि प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय वन, इसको ले देता हूं रूल नंबर वन, एक एक करके रूल वन। प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय वन इफ insignificant digit to be dropped पहले लिख देता हूं फिर इसका मतलब देखता हूं। ध्यान से समझिए, एग्जांपल भी एक देता हूं फिर समझिएगा। जैसे मान लो, जैसे आप लोगों ने अभी मुझे 2.5 के होल क्यूब वाला एग्जांपल में बोला कि सर वो तो ऐसा होना चाहिए था, याद है ना? Yes, sir. तो जैसे 2.5 का होल क्यूब किया तो होल क्यूब करने के बाद वो आ गया 15.625, ऐसा कुछ? Yes, sir. है ना? तो और मुझे उसको राउंड ऑफ करना है, सपोज दो डिजिट तीन डिजिट जितने भी डिजिट तक। तो लिखा है कि प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय वन इफ इनसिग्निफिकेंट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड। टू बी ड्रॉप्ड का मतलब मुझे डेसिमल के दो अंक दो नंबर के बाद के वैल्यू को छोड़ देना है। तो जिसको मुझे ड्रॉप करना है उसको हम ध्यान से देखेंगे और अगर वो मोर देन 5 है
तो एक इंक्रीज कर देंगे, जैसे जैसे, और लेस देन फाइव है तो वैसा ही रखेंगे। जैसे मान लो मेरे पास है, जो एग्जांपल लिखा है 2.746 है मान लेते हैं, ठीक है। सपोज मेरे पास 2.746 है और मेरा मन है इसको ड्रॉप करना, समझे सर? ड्रॉप करना मतलब, ड्रॉप करना मतलब मुझे इस आंसर को 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक ही कन्वर्ट करना है। ओके सर। इसमें क्या है, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। यस सर। और मुझे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक कन्वर्ट करना है, तो मुझे इस नंबर को ड्रॉप करना पड़ेगा। यस सर। तो इस नंबर को जो मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा, ये नंबर मेरा 5 से ज्यादा है। यस सर। तो हम इसको ऐसे ड्रॉप नहीं कर सकते, ये मेरा हो जाएगा 2.75। अब ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में हो गया। आई बात समझ में? यस सर। दूसरा एग्जांपल, यही सेम में, यही अगर ऐसा रहता, ध्यान से देखना, यही अगर ऐसा रहता 2.744 और मुझे इसको ड्रॉप करना है, फिर तो जो मुझे ड्रॉप करना है वो लेस देन 5 है। यस सर। तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, मेरा आंसर हो जाएगा 2.74। यस सर। बट अगर ये 5 होगा तो क्या होगा, तो दिक्कत हो जाएगी, वो इस रूल में कवर नहीं हुआ। यस सर। तो उसके लिए रूल 2, तो पहले अगर 5 से ज्यादा है या 5 से कम है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है आपको? नहीं सर। 5 है तो दिक्कत हो सकती है। यस सर। हाँ, तो पहले ये रूल लिख लीजिए, फिर 5 है रहेगा तो क्या करेंगे सिखाता हूं। सर प्रीसीडिंग डिजिट मतलब, प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला, जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा है ना 2746, तो जिसको ड्रॉप करना है वो 6 है, उसका प्रीसीडिंग कौन है, 4 है, तो प्रीसीडिंग डिजिट विल गेट इंक्रीज्ड बाय 1। यस सर। और विल नॉट इंक्रीज इफ नंबर टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5। यस सर। सर एक डाउट था। बोलो। आपने जो एग्जांपल दिया 2.74 का, अगर उसको सेकंड सिग्निफिकेंट तक करना है तो फिर वो 2.7 ही रहेगा ना सर? किसको बेटा, किसको? 2.746 जो है। हाँ, तो 2.7 ही रहेगा। ओके सर। तो 2.7 ही रहेगा। आगे बढ़ूं? एक मिनट। सर 5 होगा तो क्या करना था, रिपीट कर सकते हो आप? डिस्कनेक्ट हो गया था। 5 वो बताया ही नहीं, वो तो सेकंड रूल में बताऊंगा। अच्छा ओके सर। सर लेटर मतलब अगला नंबर ना? हाँ।
हो गया सर डेफिनेशन में जो वो लास्ट का सेंटेंस है बट व्हाट इफ द नंबर इज 2.745 क्या डेफिनेशन मतलब लाइक जो फर्स्ट रूल है उसमें जो लास्ट सेंटेंस है वो नहीं लिखना ना फुल स्टॉप के बाद बट व्हाट इफ द नंबर इज नहीं वो नहीं लिखना वो तो आगे का है आगे बढ़ो यस सर पहले तो ये व्हाट इफ द नंबर इज ये आपको नहीं लिखना है ये आगे के लाइन का इसमें कॉपी हो गया है सेकेंड रूल समझो अब अगर लास्ट में फाइव है लास्ट में फाइव है तो हम दो ये तो लिखा हुआ है ठीक है मैं बता देता हूं अगर अगर डिजिट टू बी ड्रॉप फाइव है ठीक है डिजिट टू बी ड्रॉप्ड ये हमारा फाइव है तो इस केस में दो पॉसिबिलिटी होती है अब हम क्या करते हैं कि फाइव से पहले वाला डिजिट चेक करते हैं कि वो इवन है या ऑड है दोनों ठीक है अगर जो डिजिट ड्रॉप करना है मुझे जो डिजिट ड्रॉप करना है वो फाइव है और उससे जस्ट पहले वाला डिजिट अगर हमारा इवन है तो उस केस में नो चेंज दोनों का एग्जाम्पल भी दूंगा और अगर वो ऑड है तो उस केस में एक ऐड हो जाता है जैसे यही अगर मेरा 2.745 है और मुझे 5 को ड्रॉप करना है तो जिसको ड्रॉप करना है वो 5 है तो उससे प्रीसीडिंग डिजिट को चेक किया ये क्या हो गया इवन यस सर इवन हो गया तो नो चेंज मेरा आंसर इज 2.74 यही अगर ऐसा रहता 2.755 ऐसा रहता और मुझे इस 5 को ड्रॉप करना है तो इसके पहले का नंबर चेक करते तो ऑड है तो इसको हम इंक्रीज कर देंगे तो अब मेरा आंसर हो जाएगा 2.76 सर बट अगर 3.5 होता तो 7 के बाद क्या 3.5 तो 4 हो जाता 5 की जगह मान लो 3 रहता चलो 3 ही ले लिया तुम्हारा एग्जांपल दो 5 एक साथ देख के कंफ्यूज हो गया तो 2.735 रहता तो 3 की जगह 4 हो जाता ठीक है तो प्रीसीडिंग डिजिट 1 इंक्रीज हो जाता समझ गया प्लस 1 का ये मतलब है तो ऑड में प्लस 1 इवन में नो चेंज सर जीरो रहने पर भी कोई चेंज नहीं होगा ना क्या हुआ वो प्रीसीडिंग डिजिट जीरो रहने पर भी कोई चेंज नहीं होगा ना कोई चेंज नहीं होगा लेकिन 09 है तो 1 हो जाएगा तो है ना आगे बढ़ो 06 होगा तो भी 1 हो जाएगा ना अगर 5 होगा तो 0 हो जाएगा बिल्कुल ओके सर आगे बढ़े यस सर डन सर ठीक है अब आते हैं अब हम लोग सीखेंगे थोड़ा सा एरर तो ये तो सिग्निफिकेंट डिजिट सीख लिया हमने है ना सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद हम लोगों ने सिग्निफिकेंट डिजिट का मैथमेटिकल ऑपरेशन सीख लिया और फिर हमने राउंडिंग ऑफ सीख लिया ना कुछ सीखा यस सर अब आते हैं एरर कैसे प्रोपगेट होता है सो नेक्स्ट हेड ये लिख चुके हो यस सर नेक्स्ट नेक्स्ट रूल हो गया है ना तो
अब हम लोग आते हैं एरर एनालिसिस पर, यानी कि ये तो हुआ अभी तक हम लोग अभी तक तो हम लोग मेजरमेंट ले रहे थे। मेजरमेंट लेने के बाद उस मेजरमेंट को यूज करेंगे अगर किसी कैलकुलेशन में, तो हर मेजरमेंट के साथ कुछ ना कुछ एरर एसोसिएटेड है। यस सर, देख रहा है, मैं 2.3 लिखता हूँ तो अलग बात है, 2.30 लिखता हूँ तो अलग बात है। यस सर, है ना। यार रुको, नहीं एरर से पहले मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ। 4 to 6 है क्लास ना? Yes, हाँ, तो मैं पहले एरर नहीं पढ़ाता, मैं आपको सिग्निफिकेंट डिजिट के क्वेश्चन कराता हूँ, नहीं तो क्या रह जाएगा। okay. उसके बाद टाइम मिलेगा तब करेंगे। तो सिग्निफिकेंट डिजिट और राउंडिंग ऑफ, इन दोनों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है सर। एक डाउट है। बोलो सर। अगर दिया हो कि कोई नंबर है 35.453 और उसका राउंड ऑफ 35.5 है और दूसरा नंबर दिया है 79.904, उसका राउंड ऑफ दिया है 79.9, तो इसका रीजन क्या हो सकता है? फिर से बोलो, कुछ नहीं समझा मैं। बोलो तो क्या दिया है? दिया है कि एक नंबर है 35.5567। अच्छा ये नंबर है, हाँ ठीक है। और दूसरा नंबर है 79.904। हाँ ठीक है। फर्स्ट का राउंड ऑफ है 35.5 और सेकंड का राउंड ऑफ है 79.9। सेकंड का राउंड ऑफ सही है। फर्स्ट का राउंड ऑफ अगर 35.5 है, इसके आगे का डिजिट 5 से ज्यादा है तो ये 6 होना चाहिए। ये रॉन्ग है, ये गलत राउंडिंग ऑफ है। एक्चुअली सर नंबर 35.453 दिया है। तो तुम अलग अलग बात हर बार अलग अलग बोलते हो तो मैं क्या करूं? 453 है तो हो गया ना, 5 को मुझे ड्रॉप करना है, इसके पीछे वाला मेरा इवन है। हाँ। तो 35.4 रहेगा। ओके सर, सही है। इवन और ऑड के बीच में कुछ लॉजिक है? कोई लॉजिक ऐसी कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, यस, आगे बढ़े। यस सर। चलिए कुछ हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट से रिलेटेड और राउंडिंग ऑफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा अगर मान लो मैं ऐसा लिखूं 2 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, अगर मैं ऐसा लिखूं तो समझ में आता है ना कि परसेंटेज एरर कितना है? ये तो नॉर्मल परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला हो गया ना, 2%। मतलब समझ आता है ना वो सब? हाँ सर। नहीं तो ये सब अगर समझ आता है तो देख देखते हैं, यहीं से क्लियर हो जाएगा कि ये कितना समझ आता है, फिर आगे बढ़ेंगे। एक ये क्वेश्चन करो, ये पहले परसेंटेज समझने वाला एक छोटा सा क्वेश्चन। तुम लोगों को डिफरेंशिएशन पढ़ाया है क्या मैंने? यस सर पढ़ाया है। डिफरेंशिएशन कहाँ तक पढ़ाया है? मेजर तक, कोई वर्ड प्रॉब्लम। अच्छा वहां तक पढ़ाया है।
क्या है कि ये सब चैप्टर में कभी मतलब कोई मीनिंग नहीं है, ये सब चैप्टर लास्ट में पढ़ते हैं, जबरदस्ती बुक में फर्स्ट चैप्टर रहता है और मजबूरी में मुझे पढ़ाना पड़ता है। नहीं तो इसी बात को मैं बहुत अच्छे सुंदर से समझाता, अगर थोड़ा सा कैलकुलस लगा दूं ना तो ये एरर को बहुत सुंदर से समझा सकता हूँ। लेकिन चलो एक चीज सिखाता हूँ, छोटो क्वेश्चन छोड़ो, अगर समझ आ गया तो इससे बेहतर कुछ नहीं है, ठीक है? देखना, कोई भी एक्सप्रेशन लिख लो जैसा मन करे। सपोज मैंने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा, ध्यान से देखना कितना बढ़िया चीज सिखा रहा हूँ। कैलकुलस अप्रोच एरर निकालने का इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है और इसमें तुम्हें मजा आ जाएगा, देखना। सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक इक्वेशन लिखा, ठीक है? यस सर। तो dy बाई dx को हम लिख सकते हैं 2x। yes. तो एक मैजिक देखना, तो dy को हम लिख सकते हैं 2x dx। यस सर। हाँ सर। अब मैं इसको y से डिवाइड कर देता हूँ दोनों ओर, समझना ध्यान से, बहुत अच्छी चीज सिखा रहा हूँ मैं, ये मिसिंग रहेगा बुक वगैरह में। इधर भी y से डिवाइड कर दिया और इधर भी y से डिवाइड कर दिया, y का वैल्यू क्या है x स्क्वायर यहाँ पुट कर दिया, तो ये हो गया 2x इनटू dx अपॉन x स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू d नंबर 2d हो गया। तो यहाँ से ऐसा दिख रहा है कि dy अपॉन y इज इक्वल टू 2 इनटू dx अपॉन x। यस सर। Yes, sir. का मतलब ये हुआ 100 से दोनों ओर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दो तो हम कह सकते हैं परसेंटेज एरर इन y इज 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन x। ये बात समझ आया कि नहीं? Yes, sir. लास्ट स्टेटमेंट नहीं समझा। मैंने कहा था दोनों ओर 100, y में dy क्या चेंज है, तो dy अपॉन y क्या हो गया, चेंज इन y 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। y में dy का एरर है, x में dx का एरर है, okay, y में परसेंटेज चेंज, x में परसेंटेज चेंज का ट्वाइस एरर होगा। यस सर। पक्का? हाँ सर। जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल लिया, कैलकुलस को मैंने एरर में कन्वर्ट किया, कैसे देखो, क्लियर है? Yes, yes, sir. रूल मैं बाद में लिखता हूँ, पहले आपको समझाने के लिए, अभी तक तो एरर वर्ड का ही नहीं यूज किया, मैं तो जस्ट कैलकुलस का एक एग्जाम्पल लिया। कैलकुलस का एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं और दूसरे के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। इसमें तो दो ही वेरिएबल थे ना, मान लो मैं ले लेता हूं एक दूसरा एग्जांपल, तुम ही लोग बोलो, y इज इक्वल टू x इंटू जेड स्क्वायर, ऐसा लिख देता हूं सपोज, ठीक है? तो देखना मैं जो लिख रहा हूं उसका क्या okay, मतलब है, एक बार लिखूंगा, अब दो बार नहीं लिखूंगा। dy इज इक्वल टू जेड स्क्वायर dx प्लस x जेड टू जेड, चेन रूल। यस सर। है ना? नहीं। ये चेन रूल समझा कि नहीं? यस सर। जेड स्क्वायर को बाहर रखा, एक्स को डिफरेंशिएट किया, दूसरी बार एक्स को बाहर रखा, जेड स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया। यस सर। अब वाई से इसको डिवाइड कर दो, देखना कितना बढ़िया चीज दिखाता हूं इसमें भी, और तब जाके मैं वो एरर का रूल लिखूंगा जो लिखना चाहता हूं। सॉरी, वाई स्क्वायर से डिवाइड, वाई से डिवाइड किया, वाई 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 की वैल्यू एक्स जेड स्क्वायर रख दो, जेड स्क्वायर डी एक्स अपॉन वाई का वैल्यू मैंने रख दिया एक्स जेड स्क्वायर, इसमें 2xz dz, y का वैल्यू मैंने रख दिया xz स्क्वायर, ठीक है? तो देखो ये कुछ ऐसा हो गया dx by x,
प्लस 2 times 2z by z yes sir is equal to dy by y yes sir तो यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं percentage percent error in y is equal to x plus 2 into z in y is equal to percentage error in x plus 2 into plus z 2 times percentage error in z yes sir yes sir ये common sense समझ आया yes sir तो अब इस कॉमन सेंस को मैं जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ अब इस कॉमन सेंस को क्योंकि ये थोड़ा सा बुक में मिलता नहीं है इसीलिए अब इसको मैं ये कैलकुलस अप्रोच समझ आया यस सर तो अब मैं एक जनरल इक्वेशन लिख देता हूँ कि मेरे पास कुछ भी है वाई इज इक्वल टू कुछ भी बोल दो एक्स रेज टू ए इंटू वाई रेज टू y तो हो गया सॉरी देखो परेशान कर देता है तुम लोग कुछ भी a raised to m into b raised to n divided by c raised to p कुछ भी ऐसा इक्वेशन है yes, sir. है ना तो ऐसा कुछ भी इक्वेशन होगा तो हम एक जनरल बता सकते हैं परसेंटेज एरर In y is equal to m times percentage error in a yes sir plus n times percentage error in b sir plus की multiplied plus अरे यहाँ पे multiply हुआ है ऊपर में तब्बर लगा दूंगा plus p times परसेंटेज एरर इन सी प्लस ही होगा ये नीचे आने से माइनस नहीं होगा ये बात समझ आया ये एक कॉमन सेंस का रिजल्ट यस सर जिसका फंडामेंटल कुछ और नहीं कैलकुलस है यस सर तो जरा जल्दी से ये कॉपी कर लीजिए शायद क्वेश्चन आज नहीं करेंगे अगले क्लास में करने कोई बात नहीं समझ लो ये ज्यादा जरूरी है बट ये सब क्या है मोस्टली बुक में पहले दे देता है मेरा रहता है लास्ट में पढ़ाने का हमेशा सर तो फिर इसको एरर में लिखे कि नहीं एज एन एग्जांपल लिखे क्या एज एन एरर लिखे कि एज एन एग्जांपल लिखे ये नहीं नहीं ये लिखिए हेडिंग लिखिए एरर एनालिसिस ओके सर और अगर कैलकुलस में नहीं पढ़ाया होता आपको तो सीधे नीचे वाला फॉर्मूला लिख देता फिर आप माथा पीटते रहते क्यों आया कैसे आया तो वो डाइजेस्ट हो इसके लिए दो एग्जांपल लिया मैंने सर इससे रिलेटेड आता है जेईई में क्वेश्चन हाँ एरर से आता है बेटा एरर से हर साल विदाउट फेल जेईई मेंस में सर जनरल इक्वेशन में अगर एडिशन हुआ तो क्या करेगा आएंगे ना सब सिखाएंगे बेटा सर ये जेईई मेंस और एडवांस सब के एग्जाम्स कब से होगी वो सब पंचायत बाद में कर लेंगे अभी पढ़ाई करो अभी तुम लोग बहुत बच्चे हो अभी पढ़ाई करो सब बता दूंगा मैं कब होगा अभी सब्जेक्ट सीखने पर फोकस करो सर हाँ सर मतलब ये परसेंटेज ऐसे लिखना पड़ेगा कि एरर ऑफ ए की डायरेक्टली वो आएगा मतलब परसेंटेज लिखेंगे ना ये जैसे चाहो क्या फ्रैक्शन एरर को फ्रैक्शन में लिखो परसेंटेज में लिखो वैसे नहीं एम टाइम्स परसेंटेज एरर ऑफ ए तो वो एरर ऑफ ए पूरा लिखना पड़ेगा ना हाँ हाँ हाँ
आंसर हो गया? यस सर। वेरी गुड। अगर हो गया तो एटलीस्ट जितना ये एरर बताया उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन तो कर ही लो, टाइम है तो, एक क्या जितना चाहे उतना कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन दिए, चलिए हो गया? यस सर। यस सर। कॉमन सेंस है? यस सर, बी है ना? पता नहीं आंसर में, मैं तो क्वेश्चन पर आई नहीं, आंसर क्या पढ़ूंगा। काइनेटिक एनर्जी हाफ एमवीए स्क्वायर होता है। यस सर। यस सर। तो कह रहा है कि मास में 2% का और स्पीड में 3% का एरर है, तो काइनेटिक एनर्जी मास का 2% और स्पीड का 3%, तो 2 × 3, तो 3 × 2 = 6, 6 + 2 8% का एरर होगा। यस सर। कॉमन सेंस है? यस सर। पक्का? यस सर। यस सर। आगे बढ़े? यस सर। एक ये भी करो, ये हो गया थोड़ा सिग्निफिकेंट डिजिट का। सर, लास्ट नंबर में 3 सिग्निफिकेंट ही है। आंसर क्या होगा, सी या डी? मालूम नहीं। डी। आप बताइए सोच के। सर सी। सर डी। सर डी। सर डी। डी होगा। क्यों? सर सब में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। लास्ट वाले में भी 4 है। सी। लास्ट वाले में 3 है सर।
बोलो आंसर होगा डी। अब मुझे कोई एक्सप्लेन करो कैसे होगा, इसमें तो फोर है कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी फोर है कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी फोर है कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कितना है? देखने में तो थ्री लगता है मुझे, सर अगर आप उस वैल्यू को डेसिमल में लिखोगे तो फोर होगा। अच्छा हाँ सर, वो ए का वैल्यू 1 और 10 के बीच में होना चाहिए। हाँ याद आया? यस सर। ए का वैल्यू अगर 1 और 10 के बीच आना चाहिए तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 2.17 into 10 raised to minus 2। हाँ तो सिग्निफिकेंट डिजिट 4 कैसे हो गया? अगर ऐसा कुछ रूल है कि 10 का पावर 3 का मल्टीपल हो सकता है। 2.17 into 10 raised to कितना आएगा? माइनस टू। माइनस टू अभी भी तो सिग्निफिकेंट डिजिट 3 ही लग रहा है। बोलो। यस सर, बट अगर आप अगर 10 into 10 raised to -2 से मल्टीप्लाई करो तो फिर वो 4 हो जाता है सर। 10 raised to -2 से मल्टीप्लाई करो 2.17 को तो फिर वो 4 सिग्निफिकेंट हो जाता है। आंसर आएगा 0.0217। तो डेसिमल के बाद वाला 0 भी काउंट होगा सिग्निफिकेंट में। हाँ, वेरी गुड, ये समझाना चाह रहा था। तो ऐसे देखेंगे तो ये होगा, बट इस नंबर को अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम इस नंबर को ध्यान से देखें तो ये नंबर हमारा क्या है? 0.0217 ऐसा है? यस सर। यस सर, है ना। अब कितने सिग्निफिकेंट डिजिट दिख रहे हैं? 4 या 5? सर 4। 5 क्यों नहीं? पहला वाला 0 क्यों नहीं? सर डेसिमल के पहले वाले काउंट नहीं आते। तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट दिख रहा है। आया समझ में? yes. अब कहोगे yes, सर ये तो 10 रेज टू समथिंग में लिखा हुआ है, वो वाला रूल क्यों नहीं लगाया? आप पूछ सकते हैं ना कि मैंने आपको सिखाया था कि A into 10 रेज टू B के फॉर्म में अगर है तो मैंने ये वाला रूल क्यों नहीं लगाया? So, units नहीं है यहाँ पे इसलिए। और कोई नहीं सर, वो डेसिमल के बाद का कैसे सिग्निफिकेंट होगा? बोलो बोलो। वो डेसिमल के बाद वाला एक जीरो, क्योंकि वो कोई रूल 3 में तो वो इनसिग्निफिकेंट होगा। तो और कोई सोच के बताओ कि मैं a into 10 raised to b वाला फॉर्मूला यहाँ पर क्यों नहीं लगा रहा हूं इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करने में? बोलिए। नेगेटिव एक्सपोनेंट है इसलिए। सब 10 रेज टू पावर के फॉर्म में नहीं है, बाकी तीन किसके फॉर्म में नहीं है? बाकी तीन a into 10 raised to b के फॉर्म में नहीं। ये भी नहीं। एक सीधा साधा बात है, आप ये याद करो, इसलिए मैंने ऊपर किया कि ये तो इस एम्बिग्यूटी से बचने के लिए रूल था ना? यस सर। और ये एम्बिग्यूटी कब अराइज होती है? जब हमारे पास कोई यूनिट हो। यस सर।
देख रहे हैं जहां पर अब जहां यूनिट नहीं है वहां पर तो ये एम्बिग्यूटी अराइज होगी ही नहीं ना। यस सर। हां सर। तो इसलिए मैंने लिखा था पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन, समझ आया? यस सर। ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही। मैं एक असाइनमेंट भेज देता हूं जिसमें केवल सिग्निफिकेंट डिजिट और एरर से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे। अगले लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। ओके यस सर। यस सर। चलिए बाय बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।